बाबूजी बाबूजी नया वीडियो आ गया क्या? अरे बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए, दोबारा मत पूछना। अबे तुम विंडो सीट काहे नहीं बुक किए बे? मैं पगला गए हो क्या? हमको विंडो सीट नहीं चाहिए था, उसके बगल वाला ही चाहिए था। काहे भैया? अरे तुम समझते नहीं हो यार, ये लड़की लोग ना बहुत शिद्दत से बुक करती है विंडो सीट। अच्छा, और गलती से भोलेनाथ हम पे प्रसन्न हो गए और कोई लड़की साथ आके बैठ गई, तो बगल में लड़की और उसके बगल में खिड़की, पूरे रास्ते उसको टुकुर टुकुर देखेंगे और बतियाएंगे। वाह क्या ख्याल है भाई, क्या ख्याल है। एक बात बताओ, तुम गंवार से भला कौन लड़की बात करेगी हैं? और तुमको भैया तुम्हारी नॉन विंडो सीट मुबारक। चलते हैं, अब पुणे पहुंच के हमको मैसेज कर देना याद करके। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। सुन भाई बोले, हम रोज सवेरे उठ के पूरे एक हफ्ते तुमको दो ताजा ताजा नारियल पानी चढ़ाएंगे, बस इस सीट पे 20-25 साल की एक लड़की बिठा दो। हाँ, 2-3 साल ऊपर नीचे चलेगा। बोले ये लड़की काश। हे बेबी। हाय। आई एम सो सॉरी, मुझे लेट हो गया। बताइए, इस लंगूर के हाथ में भी अंगूर थमा दिए। अरे बोले हम क्या पाप किए हैं। बाजू में बिठवा दिए, 4 घंटे के लिए लड़की मांगी थी, जिंदगी भर के लिए नहीं। सुनो बेटा, आप कहीं और एडजस्ट कर लो ना, मेरे दोनों बच्चे बहुत शैतान हैं, दोनों को विंडो सीट ही चाहिए। अरे तो ऐसी कार्टून जोड़ी पैदा ही क्यों करी? ए भगवान। आंटी वो ना मैंने कह के विंडो सीट बुक करवाई थी, तो बच्चे जाओ ना अपनी सीट पे। प्लीज आप देख लो ना बच्चा है। आंटी आपका बच्चा है ना, मतलब मेरा तो है नहीं बच्चा तो। अरे समझने की कोशिश कर लो ना आंटी। अरे अभी दोनों रोने लगेंगे, सबको परेशानी होगी। आप कहीं देख लो ना, एडजस्ट कर लो प्लीज। ठीक है आंटी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं वहाँ बैठ जाऊँ प्लीज। नहीं 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 नहीं। थैंक यू बोलो। थैंक यू आंटी। उठ उठ सीट से मेरी, उठ मेरी सीट से। आंटी किसको बोला? अरे चिल्ला, आंटी किसको बोला? बच्चा नहीं गेंडा है। बच्चा है तो क्या कुछ भी बोलेगा? सॉरी सॉरी बोल रहा हूं, मुझे अंकल बोलो मैं। बैठा क्यों? उठ उठ, गेट अप, गेट अप। बोल रहा है ना वो आंटी? नहीं निकलो सीट से, उठ मेरी सीट से। आप भी उठिए दीदी। सॉरी दीदी। आंटी बैठे बैठे। हां जी सही सुना है उसको। सत्य क्या? हां जी भैया, थैंक यू भैया। लड़ी क्रीप, साला कितनी प्यारी है, हाई फाई लग रही है। बात करना है और साला अंग्रेजी बोलने जाएंगे तो फारसी निकल जाएगा। बोले तू ही बता क्या करे। अरे से होगा चीप। एक्सक्यूज मी, क्या बोली आप हमको? अभी आप जाने दीजिए, मैंने इंग्लिश में बोला था शायद से। नहीं, हमको चीप का मतलब मालूम है, हम बीए पास किए हैं और इंग्लिश समझ आता है हमें, वो बस बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, जबान फिसल जाती है हमारी और हम नर्वस आ जाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस क्या होता है कि हम जब वो क्या होता है आप लोग का हु आर यू को हाउ आर यू बोल देते हैं और वेयर को बोल देते हैं होर। पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप हमें चीप बोली। ऐसे क्या बदतमीजी की हम आपके साथ जो हमें चीप बोलती हैं आप?
देखिए मेरे कहने का वो मतलब था नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं जबरदस्ती। नहीं नहीं मैडम, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है ये, आप वो करी हैं, जजमेंटल है ये, आप हमको जज करी हैं, पर इसमें आप कभी कोई गलती नहीं है ना, हर इंडियन ऐसा ही होता है, इंसान को देखता नहीं कि टॉप टू बॉटम सर से पैर तक जज करता है, और वही इंसान घर जाके स्टेटस भी डालता है, लुक डजंट मैटर, इंसान अंदर से अच्छा होना चाहिए। खैर छोड़िए, हो गया ना आपका, सब बोल क्या दिया। सॉरी वो क्या यार, मैं थोड़ा स्ट्रेस थी, घर पे प्रॉब्लम चल रही है, वो मम्मी पापा ना यार शादी के पीछे पड़े हुए हैं, मम्मी बोलती है कि शादी नहीं करेगी तो ऐसे चलते फिरते बच्चे आंटी कह के कर बुलाएंगे। एग्जैक्टली हाँ, उस बच्चे ने आंटी बोल दिया तो सारा गुस्सा ना आप पे ही उतर गया। अरे इट्स ओके, कोई नहीं। और हाँ, वो लुक डजंट मैटर वाला पिक्चर में देखे थे तो यहाँ चेप दिया डायलॉग। प्रियंका। हाँ? मेरा नाम प्रियंका। ओ आई एम नीरज फ्रॉम यूपी, जिला इज गोंडा एंड डिग्री इज बीए पास। अच्छा चलो फिर आपके स्टाइल में, आई एम प्रियंका फ्रॉम मुंबई, डिग्री इज बीएससी, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं। आप पुणे क्यों जा रहे हैं? नौकरी लगी है हमारी तो बस पुणे की ओर चल दी है। कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। आप मुंबई में नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? कोशिश तो बहुत की है पर यहाँ मुंबई में ना साला अंग्रेज के पिल्ले बिठा रखे हैं सारे, कि हमको कहाँ पूछेगा कोई। क्यों ऐसे क्यों? देखो आपको इंग्लिश तो समझ में तो आती है ना इंग्लिश, बस बोलने में थोड़ी दिक्कत है, उसमें क्या है, नॉट अ बिग डील। बिग डील है प्रियंका जी, कैसे नहीं है। अब आप एक बात बताइए, ओलंपिक में गोल्ड आने वाला इंडिया के लिए अगर अंग्रेजी में इंटरव्यू नहीं देगा तो उसके लिए इज्जत कम हो जाएगा क्या? नहीं ना, आप समझ नहीं रही हैं। आप अगर रस्किन बॉन्ड पढ़ें और हम अगर प्रेमचंद पढ़ें, बात तो एक ही है, दोनों तो भारत के बारे में बता रहे हैं, है कि नहीं? अरे ये कंपनी वाला लोग अगर अंग्रेजी का पीछा छोड़ के फोड़ू आइडियाज़ के पीछे पड़े ना तो अच्छे दिन कभी ऐड बन के नहीं रह जाएंगे। अच्छा प्रियंका जी हम एक बात बताएंगी, काइट में भी के होता है और नाइफ में भी के होता है, अगर हम नाइफ का के हटा देंगे तो नाइफ बुरा मान जाएगा क्या? ए ओपन देना। सॉरी आंटी। यार आप तो बड़े स्मार्ट हो, कोई ना कोई कंपनी आपके टैलेंट को जरूर समझेगी और बढ़ावा भी देगी, डोंट वरी। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? अब आप हमसे टची हो रही हैं। और आप जज मत कीजिएगा अभी। अरे चलो भैया, 5 मिनट के लिए चाय कॉफी के लिए बस रुक रही है, जिसको जो करना आ जाओ, 5 मिनट रेलवे साइड में आ, 5 मिनट बाद आ जाओ। वैसे प्रियंका जी, बचपन से ना हमारी एक तमन्ना रही है। बताइए। कि हम एक लड़की से पूछे, वो कैन आई बाय ड्रिंक यू कॉफी, यू कैन बाय मी योर कॉफी। अब चलिए सिखाओ। या दिस वन सेम ओनली, चलिए। आप इतने सारे बिस्किट खाते हैं? हाँ। अच्छा। नहीं अच्छी बात है। एक बात पूछे आपसे, आपको कब से देख रहे हैं ईयरफोन में, ये फोन में कुछ लगी हुई है आप, क्या है ये? अरे वो सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ ना, तो अनअकैडमी के नाम से एक ऐप है, ये देखिए, तो जब भी टाइम मिलता है ये अनअकैडमी का ऐप खोल लेती हूँ और पढ़ाई कर लेती हूँ। अरे वाह, लेकिन ये सीटेट क्या होता है? अच्छा नीरज जी, सीटेट का एग्जाम अगर मैंने पास कर लिया ना तो मैं टीचर बन जाऊंगी, जैसे आपके यूपी में कहते हैं ना कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। फिर तो बहुत ही बढ़िया है, आप हमको अंग्रेजी सिखा दीजिएगा। अरे अंग्रेजी तो आपको आती है? अरे बोल लोगे, डोंट वरी, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हम है ना समझा देंगे, टेंशन नॉट। हाँ ये सही हुई ना बात। वाकड़ 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 तो उतरना है।
अच्छा चलिए। अरे सुनिए, अंग्रेजी तो सिखा देंगे आप, पर कैसे? नंबर तो देके नहीं गए। पेन है आपके पास? पेन लीजिए। हाथ दिखाइए, ये पकड़ना, हाथ दिखाइए। ये लीजिए। चलिए ख्याल रखिएगा अपना, हम जा रही हूँ। वाकड़ वाला कौन है? वाकड़ वाकड़ वाकड़। सुनिए, अपना SMS पैक भरवा लीजिएगा, व्हाट्सएप से ज्यादा हमें SMS पसंद है। जी बिल्कुल। चलो अरे अरे नंबर मिट गया। क्या बोले, 4 घंटे के लिए लड़की मांगे थे तो तुम भी 4 घंटे के लिए ही दिए। साला हमारा लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिए। हाय गाइस, लवली लवलीज गाइस, सबको जो भी हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करो सबसे पहले, और कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, और शेयर जरूर करना यार, अपने फ्रेंड्स को करो, फैमिली को करो, सबके साथ ये वीडियो देखो। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू चेक आउट अनअकैडमी, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वेयर देयर आर सो मेनी कोर्सेज फॉर CTET जो आपको फ्री में अवेलेबल हो रहे हैं बाय इंडियाज बेस्ट टीचर्स। और गाइस यहां पे NTA, UGC NET और UPTET के लेसंस भी अवेलेबल है, सो डू चेक देम आउट। एंड फॉर मोर अमेजिंग, धमाकेदार, मजेदार ऐसे कंटेंट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना है RVCJ पे। सब्सक्राइब कीजिए।